हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हैंग करता है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के समय डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर टैप करनी है। अब आपको इस वाले पेज में ये मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल दिखाई देता है तो सी डिटेल पर टैप करना है, तो आपका पेज आता है। इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी ऐप्स को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल पर टैप करके, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको सिस्टम पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है, अब इसे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे आप टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।